नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं शख्सियत। शख्सियत में हम आज एक ऐसे युवा मेहमान को आपसे मिलवा रहे हैं जिसकी उम्र सिर्फ 35 साल है और वो तीसरी बार संसद में है समाजवादी पार्टी से। मैं बात कर रहा हूं धर्मेंद्र यादव की, जो मेरे साथ मौजूद हैं और बदायूं से जीत कर आए हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी के नेता और बदायूं के सांसद धर्मेंद्र यादव का जन्म 2 मार्च 1979 को सैफई गांव में हुआ था। धर्मेंद्र यादव को राजनीति विरासत में मिली। इनके चाचा मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं और इनके चचेरे भाई यूपी के मुख्यमंत्री। पहली बार धर्मेंद्र यादव साल 2009 में 15वीं लोकसभा के लिए बदायूं संसदीय सीट से चुने गए। इसके बाद जब साल 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर धर्मेंद्र यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें बदायूं से चुनावी समर में उतारा। देश भर में चल रही मोदी लहर के बावजूद भी धर्मेंद्र यादव ने जीत दर्ज कर दूसरी बार लोकसभा पहुंचने में कामयाबी हासिल की। बदायूं से आप जीत कर आते हैं, बदायूं के लिए आप ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि लोग उसको एक आदर्श कॉन्स्टिट्यूएंसी के रूप में देखें? हमारी लोकसभा में एक हरि बाबा नाम के संत हुए, जिन संत ने, मैं समझता हूँ, कई किलोमीटर गंगा जी को उस समय, आज तो संसाधन बहुत हैं देश के सामने, बहुत सारी योजनाएं हैं, आज़ादी से पहले बहुत बड़ा बांध बनाया था हरि बाबा जी के नाम से, लोग जानते भी हैं, आज भी पूछते हैं। तो सूफी संतों की सरजमी रही, अरण्य नेताजी सुगर मिल वहाँ लगाई, अनूप शहर से लेके, आप जान के आपको आश्चर्य भी होगा और खुशी होगी कि बदायूं जनपद को छूने के लिए तकरीबन 7 बड़े पुल, जो कि गंगा और रामगंगा जैसी नदियों पर, 2 सरकारों में 3.5 साल नेताजी की पिछले कार्यकाल में और अभी 2 साल का कार्यकाल आदरणीय अखिलेश जी का, 5.5 सालों में हमने 7 से ज़्यादा वहाँ पे पुल बना दिए गंगा जी पर और रामगंगा पर। जो कि बदायूं ऐसा इलाका था जो गंगा और रामगंगा से पूरी तरह घिरा हुआ इलाका होने के बाद केवल 3 पुल थे उस जिले को में जाने आने के लिए, रेल का वहाँ साधन उतना बेहतर नहीं है, पिछड़ा हुआ इलाका था। लेकिन बेहतर करने का प्रयास किया, जहाँ गंगा पर पुल बनाए, वहीं शुगर मिल बनाई, वहीं आपके ब्रॉड गेज कराने का भी काम आदरणीय नेताजी और रक्षा मंत्री के रूप में, गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे, पासवान जी रेल मंत्री रहे, उस समय शुरुआत की, वो जाके अब तकरीबन जाके अब पूरा हो रहा है। तो ब्रॉड गेज का काम हुआ, पुलों का काम हुआ, शुगर मिल का काम हुआ और आज हम कह सकते हैं बदायूं लोकसभा या जिले के अंदर, जिसमें हम दोनों जिले की बात कर रहे हैं, संभल और बदायूं जिसके अंदर लोकसभा आती है, ज़्यादातर सड़कें हमारी बेहतर हैं दोनों ही जनपदों में। एक चीज़ जो आप कह रहे हैं बार बार कि शुगर फैक्ट्री बनाई है, किसानों का बकाया नहीं वापस मिल रहा जो गन्ना बोते नहीं, उसके लिए हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार दृढ़ संकल्पित है और उत्तर प्रदेश से बेहतर किसानों को मूल्य कहीं नहीं मिला। जिस मूल्य को दिलाने के लिए तमाम शर्तें रखी थी उस समय के उद्योग शुगर मिल वालों को, उन्हें आपको सब पता है, लेकिन ये माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति ही थी कि 280 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य उत्तर प्रदेश के किसानों को दिलवाया। जहाँ तक बकाए का सवाल है, ज़्यादातर बकाया मिल चुका है, मेरे को जानकारी है, मेरे पास डाटा है, हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आज भी मैं समझता हूँ 75-80% किसानों का भुगतान हो चुका है, जो बचा हुआ भुगतान है वो भी मुझे लग रहा है कुछ महीनों के अंदर वो पूरा हो जाएगा। बेहतर रेट दिलाने में भुगतान में विलम्ब हुआ, ये सच है। साथ ही साथ सरकारी चीनी मिलों के लिए अलग से भी बजट एलोकेशन किया है, जिस बजट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के किसानों का कोई सरकारी चीनी मिल पर बकाया नहीं रह जाएगा। तो ये समाजवादी सरकार कर रही है। जहाँ तक बदायूं का सवाल है, बदायूं में समझता हूँ हमारे किसान पूरी तरह से संतुष्ट हैं, चाहे वो शुगर मिल के पेमेंट से हो, चाहे और तमाम तरह की, और शायद संतुष्ट नहीं होते तो इतना बेहतर परिणाम देकर लोग मुझे वापस लोकसभा में ना भेजते। बदायूं एक पिछड़ा हुआ इलाका है, बदायूं में स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हो जाएं, वो आप क्या देख रहे हैं? ये सच है, स्वास्थ्य की सेवाएं कमज़ोर थीं और गरीबी है बदायूं के लोगों की, उतनी संपन्नता नहीं है अभी। यही सोच के, इसी दृष्टिकोण से हमने बदायूं के अंदर एक राजकीय मेडिकल कॉलेज के लिए माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना की और उन्होंने सहर्ष अपनी सहमति ही नहीं दी, स्वीकृति भी दी। स्वीकृति के साथ साथ उसके लिए जो भी योजना तैयार करनी थी, योजना तैयार होके आज आपको कभी मैं निमंत्रण दूंगा, कभी आइए बदायूं, तो आप देखेंगे कि बदायूं के अंदर, बदायूं शहर से 4 किलोमीटर पर ही मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है, क्योंकि मुझे उम्मीद है
आने वाला जो 15-16 का सत्र होगा, संभवतः उसमें मेडिकल की पढ़ाई भी शुरू बदायूं के अंदर हो जाएगी। मेडिकल ओपीडी अस्पताल तो कम से कम शुरू हो जाए, कम से कम ये 6 महीने में हो सकता। नहीं नहीं, ओपीडी का सवाल नहीं, वो अभी जिला अस्पताल चल रहे हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहे हैं, लेकिन जब बिल्डिंग होगी तभी तो ओपीडी शुरू होगी। हम आपसे कह रहे हैं कि आने वाले 15-16 का जो सत्र आएगा, अगले एक साल के अंदर जो सत्र आएगा जिसमें मेडिकल में लोग स्टूडेंट लेंगे प्रवेश, मुझे उम्मीद है कि बदायूं के मेडिकल कॉलेज में भी प्रवेश लेंगे। महिलाओं को आप कैसे आगे लाएंगे? आज कहा जा रहा है 49% देश की आधी आबादी है, महिलाएं पढ़ें, महिलाएं आगे आएं, और ये भी बात हो रही कि उन्हें 33% देना है आरक्षण। आपको निमंत्रण दूंगा, आइए हमारे क्षेत्र में चलिए, तो आप महसूस करोगे 30-30 किलोमीटर तक इंटर कॉलेज नहीं थे, इतना पिछड़ा हुआ हमारा इलाका था। उस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए न केवल हमने उस इलाके में इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, बल्कि साथ ही साथ डिग्री कॉलेज भी, कि इंटर से पास आउट होने के बाद कोई ऐसा स्टूडेंट ना रह जाए जिसको पढ़ने में दिक्कत हो और ड्रॉप आउट करे, तो उसके लिए हमने बेहतर इंतजाम किया कि डिग्री कॉलेज का भी इंतजाम वहाँ करें। जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, बदायूं शहर के अंदर महिला डिग्री कॉलेज के भी स्थापना का हम लोगों ने इंतजाम कर लिया है और उसका शिलान्यास भी हो गया, काम भी बहुत जल्दी वहाँ शुरू होने जा रहा है। तो उनको पढ़ाने के लिए हम लोग बेहतर व्यवस्था दे रहे हैं, और जब पढ़ जाएंगी तो स्वाभाविक रूप से वो काफ़ी काम अपने आप भी कर पाएंगी। साथ ही साथ कौशल विकास के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं, जिन योजनाओं के माध्यम से लोग अपना रोजगार, अपने जीवन यापन का इंतजाम कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग बहुत कंसंट्रेटेड हैं। हमारी सरकार बहुत ध्यान दे रही है, कौशल विकास के माध्यम से भी रोजगार दिलाने का हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। बदायूं के अंदर जिस तरीके से महिलाओं के संग रेप हुआ है और फिर उनको टांगा गया पेड़ों पे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, और इस बात को लेकर पूरा प्रदेश, पूरा देश पूछना चाहता है कि सच्चाई क्या है। हमें बहुत दुख है, और विशेषकर मीडिया के साथियों आपसे, कि हमारे जनपद को इस कदर बदनाम किया गया। जो सूफी संतों की सरजमी, धार्मिक सरजमी, उस सरजमी के बारे में इस तरह की न्यूज़ निकाल के इतना प्रोपगंडा किया गया। आज जब सीबीआई की जांच चल रही है और सीबीआई की जांच के कुछ तथ्य मीडिया के माध्यम से हमने भी जाने, हम और भी सच्चाइयां जानते हैं, लेकिन जब तक सीबीआई की चार्जशीट नहीं आएगी हम उस पर कुछ नहीं कहते। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूं, जिस कदर बदायूं को बदनाम किया गया, ये इसका पूरे बदायूं के लोगों को बहुत दुख है, और ये नहीं होना चाहिए था जो किया। तमाम लोगों ने अपनी राजनीतिक गोटियाँ सेंकने के लिए वहाँ किया, और ऐसी तथ्य जो सामने आ रहे हैं, संभवतः ओनर किलिंग की बात उसमें निकल के आई, जिसको सीबीआई की और तमाम मीडिया के लोगों ने भी चर्चा की। अगर ओनर किलिंग होगी तो उसको आप कैसे रोक पाओगे? परिवार के व्यक्ति से आप सुरक्षा कैसे दे पाओगे? पिता से बेटी को सुरक्षा कैसे दे पाओगे? तो ये समस्याएं हैं देश के सामने। समाजवादी पार्टी को याद पड़ता होगा, क्या समाजवादी पार्टी ऐसी कोई परंपरा चलाएगी जो इस देश की विरासत है? परिवार ही रक्षा करेगा, आप भी रक्षा करेंगे, रक्षाबंधन आ रहा है, क्या धर्मेंद्र जाके अपने बदायूं में रक्षाबंधन कार्यक्रम में रक्षा बंधवा के बेटियों को कहेंगे कि आपको कोई नहीं छुएगा और हम ही आपकी रक्षा करेंगे? जहाँ तक सवाल है, रक्षाबंधन के माध्यम से तो एक रिश्ता भावनात्मक बनता ही है। हमारा रिश्ता क्षेत्र के साथ वही भावनात्मक है, और कोई यूँ नहीं कि मीडिया के बीच में दिखाना है या ये घटना हुई इसलिए हमें राखी बंधवा के संदेश देना है। माहौल तो पैदा करेंगे आप। बदायूं की बहन बेटियों को पता है जब कभी उनके सामने कोई संकट आता है तो किस कदर हम लोग उनकी रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए हम लोग खड़े हैं। आप उस परिवार से आते, आप उस वंश से आते हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो भगवान कृष्ण ने आके रक्षा की थी, आप यदुवंशी हैं, आपको तो ये शपथ लेनी ही पड़ेगी। नहीं बिल्कुल, ये शपथ है मेरे पास, पहले से शपथ है, कोई स्पेसिफिक शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ ये शपथ पहले से है, और आपको जान के खुशी होगी, एक भी ऐसा मुलजिम नहीं है जिस मुलजिम पर ठोस कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर न हुई हो। कोई एक बदायूं की घटना नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर ही भी कोई बात हुई होगी तो हम लोगों ने करके दिखाई है। जहाँ तक बहन बेटियों की रक्षा का सवाल है, हमारी सरकार ने 1090 की वुमेन पावर लाइन, हिंदुस्तान में पहली सफल वुमेन पावर लाइन अगर कहीं चल रही है तो आपके उत्तर प्रदेश में अंदर चल रही। कन्या विद्याधन की योजना, मैं समझता हूँ कि महिलाओं के सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक वो पढ़ेंगी नहीं। और आप पता करिए कि कन्या विद्याधन योजना बटने से पहले महिलाओं के पढ़ने का रेशियो क्या था, इस योजना को बनने के बाद क्या रेशियो हुआ, फिर मायावती जी ने जब इस योजना को ख़त्म किया तो उसके बाद क्या हुआ, आर.एल. जी ने फिर शुरू किया उसके बाद क्या असर पड़ा,
ऐसी आप बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो कन्या विद्याधन की योजना रही हो, वुमेन पावर लाइन का सवाल हो, और तमाम सवालों के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर है। जहाँ तक रक्षा के सवाल है, उनकी रक्षा करना, उनका स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करना हम लोगों का दायित्व है, कर्तव्य है, जिस कर्तव्य के प्रति हम लोग जागरूक हैं और बेहतर से तरीके से उसको निभाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आप किसान परिवार से आते हैं, नेताजी को भी कहा जाता है कि वो किसानों की बात ज़्यादा समझते हैं, सिंचाई के बेहतर साधन कैसे देंगे, और बिजली की कमी बहुत है उत्तर प्रदेश में, बदायूं भी सफ़र करता है, तो किसान कहता है हमारी कम से कम सिंचाई की व्यवस्था तो सही कर दीजिए। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के 2 दिन पहले के कैबिनेट का डिसीजन आपने पढ़ा होगा कि जितने भी पावर प्लांट हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश सरकार की विशेषकर, चाहे वो हल्द्वागंज का हो, चाहे वो पनकी का हो, चाहे पारीछा का हो, चाहे वो आनपारा का हो, हर पावर प्लांट की क्षमता वृद्धि के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी कैबिनेट से डिसीजन लिया है। और भी तमाम जो प्राइवेट लोग आना चाहते हैं बिजली के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के अंदर, सरकार उनको सुविधाएँ मुहैया कराकर ला रही है। और माननीय अखिलेश जी ने वादा किया है उत्तर प्रदेश की जनता से कि 2016 तक शहरों के अंदर कम से कम 22 घंटे और देहात में कम से कम 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का काम करके दिखाएंगे। करके दिखाएंगे, हाँ कर देंगे, चमके करें नहीं, करके देंगे। आप जानते हो एक पावर प्लांट जिसको आज हम प्लान करें उसको बनाने में कितना भी कम समय लगेगा तो 2 से 3 साल लगते हैं। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और बीच में 5 साल नहीं बनाए गए, नेताजी ने बनाए थे उसके बाद बढ़ा नहीं, मशीनों की उनकी मरम्मत नहीं हुई, तो जहाँ इतना बैकअप खराब मिला हो वहाँ सुधारने में समय चाहिए 2-3 साल। और 16 दूर नहीं है, आपसे बात हुई है, वादा हुआ है, और आप देखोगे बेहतर से बेहतर करके दिखाएंगे। एक बड़ी बात, आपने एक टैग लाइन दी थी, नेताजी ने दी थी, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना देंगे, आपका क्या संकल्प है, ये कैसे बनेगा? लोग जानना चाहते हैं कि 2 साल गुजर गए और फिर 2 साल बाद स्थिति ये होगी कि आप चुनाव में जा। ये सच है कि जो हमने किया है लोगों तक शायद नहीं समझा पाए, हम इस बात से इनकार नहीं करते, शायद हो सकता है इन्हीं सब कारणों से हम लोग हार भी हुई हो, हमें कोई उसमें वो। तो जहाँ तक बदायूं का सवाल है, बदायूं एक ऐसा दुर्भाग्यशाली ज़िला है जो लगभग 120 किलोमीटर तो गंगा जी का किनारा है और दूसरी ओर से रामगंगा, इन दोनों ही नदियों की बाढ़ का दंश तो बदायूं के लोगों ने देखा है और तकरीबन अधिकांश सालों देखा है, झेला है, महसूस किया है। कई सालों में तो इतनी खराब स्थिति होती है कि लाखों लोगों को शिफ्ट होना पड़ता है इधर से उधर। हमने अपनी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश बदायूं जिले को जहाँ जहाँ से बाढ़ की संभावना थी सभी जगह बांध बनवा दिए। मुझे विश्वास है कि अब बदायूं के अंदर बाढ़ जैसी समस्या से निराकरण हम कर चुके हैं। धर्मेंद्र यादव का सीधे तौर पर कहना है कि आने वाले टाइम के अंदर उत्तर प्रदेश से जो भी वादे किए गए हैं वो पूरे करेगी समाजवादी पार्टी, नेताजी हों चाहे अखिलेश हों या मैं हूँ, हम सब अपना काम पूरा करेंगे, जनता हम पे यकीन रखे, हमने जो वक्त चाहा है वो वक्त हमें मिले, आपको उत्तम प्रदेश जरूर मिलेगा। और जहाँ तक केंद्र से योजनाएं ले जाने की बात है उत्तर प्रदेश में, उसका हक हम जरूर लेके जाएंगे। भले हम आज सदन में 4 हैं, लेकिन हम 4 पूरी तरीके से चारों दिशाओं की जो भी रोशनी है वो उत्तर प्रदेश तक जरूर ले जाएंगे। आज शख्सियत में इतना ही, प्रखर प्रकाश मिश्रा को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।